सो इफ़ यू स्टडी पराशरा एस्ट्रोलॉजी देन लाल किताब एस्ट्रोलॉजी एंड वो सब आप स्टडी करोगे, एस्पेक्ट्स वगैरह आपको क्या दिखाई देंगे, साइंस कितने होते हैं, चार तरीके के साइंस होते हैं, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एंड एस्पेक्ट क्या होते हैं, मार्स का 4, 7, 8, राहु 5, 9, केतु 5, 9 और 5, 7, 9 आप कह लो, मैं 5 और 9 ही देखता हूँ, जुपिटर का देन 5, 7, 9, 5, 9 मेन रहता है, सैटर्न का 1, 3, 7, 10, सन मून मरकरी वीनस 7th एस्पेक्ट। बट जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है वहाँ पे एयर फायर वाटर अर्थ साइन नहीं होते हैं, वहाँ पे होते हैं कार्डिनल साइन, फिक्स्ड साइन एंड म्यूटेबल साइन। ठीक है, अब कार्डिनल साइन क्या होते हैं, कार्डिनल साइन आपके होते हैं एरीज, कैंसर, लीब्रा और कैप्रिकॉन। ठीक है, फिक्स्ड होते हैं आपके टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जो स्टेबिलिटी सिग्निफाई करते हैं। देन म्यूटेबल आपके होते हैं जेमिनी, वर्गो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस। एंड जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में ये तीन तरीके के साइन होते हैं, एंड जो पराशर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें बहुत टाइम से पता है, वो नहीं ये देखते। ये क्या देखते हैं, जितने भी कार्डिनल साइंस हैं वो सारे फिक्स्ड साइन को देख रहे हैं। ठीक है, एंड किसको नहीं देख रहे, जैसे जस्ट नेक्स्ट उनके जो हाउस है उसको नहीं देख रहे हैं, सारे कार्डिनल साइन फिक्स्ड साइन को देख रहे हैं। एंड जितने भी फिक्स्ड साइन हैं वो सारे कार्डिनल साइन को देख रहे हैं। ठीक है, एंड किसको नहीं देख रहे हैं, जो हाउस उनके एक जस्ट पहले बैठा हुआ है। एंड जितने भी म्यूटेबल साइन हैं वो एक दूसरे को देख रहे हैं, म्यूटेबल साइन म्यूटेबल साइंस को ही देख रहे हैं। तो पराशरा के एस्पेक्ट्स अलग होते हैं एंड जेमिनी के एस्पेक्ट्स ये वाले होते हैं, वो साइन के थ्रू एस्पेक्ट होता है। एंड दोनों एक टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, मैं दोनों की आँखों से देखने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है, पराशरा के ये वाले एस्पेक्ट्स हैं, जेमिनी के ये वाले एस्पेक्ट्स हैं साइंस के थ्रू, एंड उन दोनों के हिसाब से भी जो है प्रिडिक्शंस। सो एक नॉर्मल चार्ट है, एरीज असेंडेंट फर्स्ट हाउस, सैटर्न यहाँ बैठा है, पराशरा के हिसाब से सैटर्न कहाँ कहाँ देख रहा है, 1, 3, 7 एंड 10th हाउस। ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ। बट जेमिनी के हिसाब से कैंसर में सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न कहाँ कहाँ पे देखेगा, लियो को नहीं देखेगा, एक घर पहले को नहीं देखेगा, वो देखेगा स्कॉर्पियो को, देन आपका देखेगा एक्वेरियस को, देन टॉरस को। तो दोनों को अगर आप मिक्स करके भी अगर आप देखोगे, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एंड ऐसे भी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी एक्यूरेट निकलते हैं दोनों को मिक्स करके।